कांटेक्ट मारे। कहाँ से हो सुनीता? दुमका डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, गांव का नाम पारसिमला। और पिताजी का क्या नाम है? उद्धव मिर्गा। क्या करते हैं वो? खेती बाड़ी करते हैं। और गुरुकुल के बारे में आपको किसने बताया? वो जो पूरन सर है ना, वो डायरेक्ट मेरे घर में फोन किए थे, वो मेरे नंबर से। अच्छा। और बोल रहे थे क्या आप सुनीता बोल रहे हैं? बोला हाँ हम सुनीता बोल रहे हैं। तो आप हमको, वो हमको गुरुकुल के बारे में बताएं, जमतड़ा ऐसे ऐसे ट्रेनिंग हो रहा है, क्या आप जाना चाहते हैं उसमें? तो हम उससे मिले, हम बोले कि आप हमसे मिलिए, हम उससे मिले, उससे पूरा हम डिटेल्स कहानी पूरा हम सुने गुरुकुल के बारे में, वो बताएं। तो बोले ठीक है हम जाएंगे। आपको डर नहीं लगा यहाँ आने में? नहीं, हमको डर नहीं लगा। क्यों? ताकि हम सोच रहे थे हम कुछ कर सके। अच्छा। हम अपना करियर को बना सके, हम अपना पैर में खड़ा हो सके। तो पहले आप गांव में क्या करती थी? कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई छूट गया था, बस घर में बैठे रहते थे, मम्मी का हाथ बटाते थे, घर में काम करते थे, छोटा मोटा खाना भी बनाते थे। और गुरुकुल में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? गुरुकुल में आने से हमको अच्छा लग रहा है, टाइमिंग का मतलब हर टाइमिंग का फॉलो कर रहे हैं, टाइम में खाना खाना, टाइम में उठना, टाइम में क्लास आना। अब तो आपका नौकरी लग गया है और आप कल जा रही हैं, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ मैं जाऊंगी, यहाँ ट्रेनिंग कर ली है, इसके बाद हम कल जा रहे हैं और काम करूंगी वहाँ जाके। आपको वहाँ पे जाकर कितना तनख्वाह मिलेगा? 8,000 सैलरी मिलेगा। और क्या क्या फैसिलिटी बताया आपको सर ने कि दिया जाएगा वहाँ पे? खाना, रूम मिलेगा। और पीएफ वगैरह मिलेगा वहाँ पे? हाँ पीएफ भी मिलेगा। इसके बाद ओटी के बारे में, ड्यूटी के बारे में भी बताएं, अगर आप ओटी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।